अभिषेक ने एक दफा इंटरव्यू में कहा था कि आपको बर्फी की केक बहुत पसंद है, तो आज आपने कुछ ऐसा केक वेक सुबह से कुछ खाया ये है? मैंने छोड़ दिया है, अब केक वेक खाना छोड़ दिया है। हमारा कार्यक्रम आप देखिएगा जो अभी टीवी पे आ रहा है, इस विषय पे हमने वहाँ एक कुछ सवाल उठाए हैं, उसको देखिएगा। अभी बात कर दूंगा तो सब बात निकल जाएगी, लेकिन है रोचक वो भी। अमित जी आप अपने हिसाब का जज्बा किस युवा एक्टर में देखते हैं? अभिषेक में तो हम वो देखते हैं, लेकिन आपके जैसा जज्बा किस इस पीढ़ी के एक्टर में आपको नजर किसी में, किसी में ना हो तो अच्छा है। सबका अपना अपना एक अलग जज्बा होता है और वो बहुत प्रबल होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब अपने अपने जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्तर पर हैं, अपनी अपनी जगह पर प्रबल हैं। और ऐसा कहना कि ये इनसे प्रभावित है या इनसे प्रभावित है, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। हम सब लोग जो हैं, जहाँ अच्छा काम होता है उसको देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हमने अपने मन के अंदर कुछ ऐसे कलाकारों को, कुछ ऐसी तस्वीरों को हमने अपने मन के अंदर रखा है कि इनसे हम प्रेरणा लें। मैं दिलीप साहब को देखता हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वहीदा जी को देखता हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। इसी तरह आजकल की जो पीढ़ी है, वो जो आजकल के नौजवान कलाकार हैं, वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, रणबीर हो, ऋतिक हो, इन सब की ये प्रेरणा स्रोत बनते हैं उनके लिए, ये अच्छा है। लेकिन ऐसा मान लेना कि आप किसे देखते हैं कि वो मेरी जगह लेगा, ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जगह है। सर रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़, सर आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बर्थडे का जो मौका होता है सर, अक्सर खुशी का होता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी यादें हैं कि जब आपका बर्थडे रहा हो और आप बहुत उदास रहे हो और बर्थडे बहुत ख़राब बीता हो, ऐसा कुछ कोई यादें हैं आपकी? देखिए ये सब व्यक्तिगत बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी कई बार साल भर के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि उत्सव मनाने का मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य हो, उसका देहांत हो जाए, तो उस वर्ष हम त्यौहार जो है वो नहीं मनाते हैं। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम नहीं मनाते हैं उसको। और कभी कभी हमारे जो बहुत ही निकट मित्र होते हैं, उनका अगर वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो कई मन होता है, उदास होता है, लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलना ही है। जो कि संगीत निर्देशक, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, तो उनकी याद आती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन को चलते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते होंगे जहाँ भी हैं ऊपर। आज भी मैं उसी तरह, जिस तरह पहले उनके स्टूडियो में जाता था काम करने, आज भी मैं जाता हूँ वहीं पर, और ऐसा मान लेता हूँ कि वो हैं यहाँ पर, हालांकि नहीं हैं। लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। उदास होने के बहुत से वक्त मिल जाएंगे हमारे जीवन में, हंसी खुशी का समय जो है वो बहुत कम मिलता है। ऐसे स्तर पर हम, या ऐसे मौके पर हम उनको याद भर कर लें, यही अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। अमित सर यहाँ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अमित सर, यू आर नॉट जस्ट एन इंडियन सुपरस्टार एक्टर टुडे बट अ ग्लोबल एक्टर, बट व्हेन यू आर सेकंड टू नन इवन इन हॉलीवुड, बट वी डोंट सी यू डू मच वर्क देयर। वी नो दैट यू डोंट कंसीडर इंडियन सिनेमा इन्फीरियर इन एनी सेंस टू हॉलीवुड, बट इज देयर एनी प्लान टू डू मोर वर्क देयर इन द वेस्ट? See, first of all, I don't agree with you that, you know, that I'm incomparable and that I have some very big titles. I've never believed in that. And every day is a learning graph for me. Every day I see that there are many shortcomings in me. And I learn from working with the newer generation, with the younger generation, who are very, very proficient. To compare ourselves with other industries is a very natural and a normal phenomena. We appreciate what the West does. We appreciate the way they make movies. But I think that we need to be proud about our own industry, about our own talent. I think that the degree of talent that exists here in our country amongst our artists, both in technology and in the creative field, is immensely huge. Yes, there was a time for many, many years when the Western world did not look upon us too kindly. They did not like the way our films were made. They did not like this dance and singing routine. But they are not aware of what our circumstances are and what circumstances our films are made. Our films are made for entertainment for the common man. The common man is not very affluent, is not very rich. After working for the whole day, you know, giving so much labor,
He wants to come and have a release somewhere. And that is why when he comes into an air-conditioned hall, which is again a unique thing for him, to sit in there for 3 hours and watch some entertainment, he wants to see something light and happy and not want to see a reproduction of his own life. So perhaps the West could not understand that. They are economically more superior to us, but I feel that they must understand our circumstances. And I now see that they have understood what our circumstances are, and they are now appreciating our kind of cinema as well. They see the values that we bring in our stories. They see the great amount of technology and the sense of how stories are made and narrated, our performances. I've had many wishes from all over the world, from students who are studying acting in very prominent schools in Los Angeles, in New York, and they see our films and they are amazed and they say, we appreciate your work and we are all fans of yours. So I think these are all good tidings. In the end, you know that cinema is universal and it doesn't require any language or location. We hope that cinema will progress here, that we will be able to appreciate their work and they will appreciate ours equally. Sir, one more thing. Sir, you spoke about working with the younger generation, which is very talented. If any generation after yours that has made us proud, it's the Khan Troika, Aamir, Salman and Shahrukh. Yeah. They are also reaching a personal milestone of 50 years in their life. So anything that you would like to say for them? Yeah, I hope that they continue. I hope that they continue being who they are for 100 years. They have been a great source of inspiration to so many people. They've brought happiness and joy in the lives of so many well-wishers and fans. I can always wish them the very best. Mr. Bachchan, here. Firstly, a very happy birthday. You know, the kind of roles that you have been doing is obviously appreciated by everybody. But with, you know, you inching to the 73rd birthday, are there any plans of like slowing down in your career and probably being a lot more choosy when it comes to the roles that you pick? Sorry, I can't understand. Of slowing down? Slow kind of roles that you've been getting also. Ma'am, when you ask me to slow down, you'll have to tell me what my speed is now. Because the way you've been... Tabhi bata paunga ki main dheeme chal raha hun, tez chal raha hun. तो जैसे चल रहा हूँ उसको चलने दीजिए मैडम गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए एंड आई डोंट थिंक अबाउट यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई स्टिल गेट सम वर्क एंड आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज माय बॉडी इज विद मी मिस्टर बच्चन हियर अरे सर मैं माफी चाहता हूँ सर ये एक बहुत ही मामूली प्लास्टिक की घड़ी है और मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता मांगता हूँ अभी नहीं पहनूंगा मैं इसको जितनी बार मैं मीडिया के सामने गया हूँ सबसे पहले उनका दान हमारी इधर ही जाता है मिस्टर बच्चन ऑन योर राइट हैंड साइड हियर कौन या हाँ सर सर फर्स्टली अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड इज देयर यू नो स्टिल अ चाइल्ड समवेयर विद इन अमिताभ बच्चन's heart and you know when it's your birthday do you still look forward to cutting a cake or two and probably the way you said you know when you were a kid you were looking forward to expect yeah, I think with age we all mature and we realize that all these formal moments that normally are associated with birthdays you tend to overlook them now it's just another day I'm just as I said fortunate to be with friends and family and the media For me, it's just another day. I hope, previously I used to actually make sure that I actually work on my birthday, but somehow that's now been negated by the family. They want to spend more time with me because in any case, the whole day I'm out of the house very early, come back very late. So they never get an opportunity to be with me. So I've stopped that practice. Now I spend time with the family. That's it. It's just another day. I don't look upon it as some kind of a formal occasion. Bachchan sir, Jandin ki hardik shubhkamnaye aapko. हम चाहे बाबूजी की कोई कविता सुना इधर सर हाँ जी जी बाबूजी की कोई कविता हमें सुनाना चाहेंगे इस मौके पर आप सर बहुत सारी कविताएं हैं अभी कोई कविता सर बाबूजी की सुन चुके हैं आप पहले कई बार उसको कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला हर एक लगा है अपनी अपनी देले में कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाँ फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में
बच्चन साहब, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मेरे दो सवाल होंगे।